अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ तब कर लेते होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। रोज की तरह नया वैकेंसी के साथ में आया हूँ और इस जो रिक्वायरमेंट है ये जॉब के लिए बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि भाई ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होगा इस टाइप का, तो ज़रूर अपडेट करना, बताना, मैसेज करना पर्सनली। तो इसमें एक ही कैटेगरी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सारे बंदे को मैं अलग अलग से मैसेज नहीं कर सकता हूँ कि भाई ये रिक्वायरमेंट अभी है, अगर इसमें जाना है तो ट्राई करिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक ही देखना, एंड तक देखना। उसके बाद अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट जैसा बताऊंगा वैसा डॉक्यूमेंट रेडी करके ही भेजना है, ठीक है। तो ये है वैकेंसी सऊदी अरब का, सऊदी अरब का जो ये है। और अभी इसमें बहुत से सोच रहे होंगे सऊदी अरब तो बंद है, फ्लाइट तो नॉर्मल बंद है, कैसे आएंगे। देखो, वीज़ा निकलना नहीं बंद है, वीज़ा स्टम्प होना नहीं बंद है, मेडिकल होना नहीं बंद है, सारा चीज़ चालू है। बस फ्लाइट जो नॉर्मल इंडिया से बंद है वो वाया फ्लाइट होगा, टू डोज कम्प्लीट होना चाहिए वैक्सीन बंदे का। और उसके बाद में ये कतर से बंदे आएंगे, ठीक है, कतर से नहीं तो मालदीव से, वहाँ होके 7 दिन क्वारंटाइन में रह के उसके बाद में इधर आएंगे। तो ऐसा आने के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो इसका जो भी नॉर्मली चार्ज है वही किया जाएगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कंपनी पे करेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग गूगल करोगे तो आप लोग को पता हो जाएगा, नहीं तो अगर सऊदी के अंदर कोई है तो आप उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हो इस कंपनी के बारे में, ठीक है। ये रेस्टोरेंट है, ये इसका रेस्टोरेंट का नाम है अल्तजाज रेस्टोरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब आप गूगल भी करोगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा, अल तजाज रेस्टोरेंट। इसमें वेटर की ज़रूरत है, 50 वेटर चाहिए, सैलरी 1300 प्लस टिप्स है, ड्यूटी इसमें 10 घंटे की है। और रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड और उसके बाद में इंश्योरेंस, ये सारा कंपनी देगी। हफ्ते दिन छुट्टी होगा, 10 घंटे के बाद ओवर टाइम होगा। और 10 घंटे का जो ड्यूटी होगा तो 1 घंटे का जो लंच होता है वो निकाल के 9 घंटा ही ड्यूटी करना है, ठीक है। और इसके अंदर उम्र चाहिए लास्ट मतलब 25 साल चाहिए, 21 से 25 के बीच में चाहिए, 25 के ऊपर उम्र नहीं ले रहा है कंपनी वाला। और लड़के पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम इंटर फाइनल किया हो, हाई स्कूल इंटर किया हो, जिसको मतलब बेसिक इंग्लिश मालूम हो वो बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें जाना है तो पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज रेडी करना है, स्कैन करना है, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और एक फुल साइज का फ़ोटो फॉर्मल ड्रेस में, ठीक है। और एक सीवी बनाना है, सीवी में वेटर डालना है, प्रोफेशनल वेटर, और इंडिया का कोई भी रेस्टोरेंट का या मतलब जैसा कोई भी रेस्टोरेंट है अच्छा जो मतलब थोड़ा वीआईपी टाइप का है उसका नाम उसमें डालना है कि मतलब मैं यहाँ पे काम किया हूँ वेटर का, और थोड़ा बहुत वेटर के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसका इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं है, सीवी सिलेक्शन है खाली। आपका अगर प्रोफाइल अच्छा है, डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके भेजियो तो कंपनी को जाएगा, सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट मेडिकल होकर वीजा लगेगा। इसका वीजा निकल चुका है, वकाला सारा बना हुआ है, वीजा रेडी है, डॉक्यूमेंट भेजोगे और आज अगर भेजते हो तो दूसरे दिन आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। जैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, अपना मेडिकल कराना, मेडिकल करके जमा करोगे, वीजा लगेगा, वीजा लगते ही 10 से 15 दिन के अंदर फ्लाइट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसमें जाना है तो वेटर का प्रोफाइल बनाना है, सीवी वेटर का बनाना है, और पासपोर्ट एसीएनआर ही होना चाहिए। एसीआर अगर पासपोर्ट है, बहुत से होते हैं कि पढ़े लिखे भी होते हैं, हाई स्कूल इंटर किए हुए हैं और ऐसे लोग सोचते हैं कुछ जॉब के लिए, और उसके बाद में अगर वो पासपोर्ट बनाया है किसी का, कभी कभी क्या होता है कि मार्कशीट और आधार कार्ड और बहुत सा जो डॉक्यूमेंट होता है, डेट ऑफ बर्थ कुछ प्रॉब्लम के वजह पहले से एक जैसा नहीं होता, गलत मतलब सेम सेम नहीं मिलता है, तो मार्कशीट बहुत से नहीं लगाते हैं, तो उनका पासपोर्ट भी एसीआर होता है। तो अगर ऐसे लोग भी हैं तो एसीआर वाला मतलब चलेगा नहीं, क्योंकि इमिग्रेशन का पेपर कंपनी नहीं दे रही है, इसलिए इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा। इसके वजह से पासपोर्ट एसीएनआर ही चाहिए, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट एसीएनआर है और आप 25 साल से ऊपर मतलब नीचे हो, अंदर हो 25 साल के, 21 से ऊपर हो, इस बीच का अगर आपका उम्र है तो इस जॉब में बेशक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका 25 से ऊपर हो रहा है और आप गल्फ रिटर्न हो, आप सोच रहे हो मेरे पास गल्फ का एक्सपीरियंस है, हो सकता है कंपनी में डालूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट नहीं डालना क्योंकि लेगा ही नहीं कंपनी। फ्रेश हो चाहे रिटर्न हो, उम्र 21 से 25 के अंदर रहे। और एसीएनआर अगर पासपोर्ट हो तो जाहिर सी बात है कि बंदा हाई स्कूल इंटर तो किया हुई होगा, और मतलब इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए बंदे को कि बेसिक इंग्लिश आए, सैलरी 1300 प्लस टिप, 10 घंटे की ड्यूटी, रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, हफ्ते दिन छुट्टी, उसके बाद में ओवर टाइम। ये रेस्टोरेंट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये सऊदी के अंदर। आप गूगल करो या कोई आपका रिलेशन वाला है इसके बारे में आप पता करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा सारा चीज़। अगर आपको अप्लाई करना है इस जॉब को, इसमें जाना है, तो नंबर लेके व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना है, यहीं पे जैसा बताएं वैसा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है, और एक ही पीडीएफ में स्कैन कराना है, एक ही फाइल में सारा चीज़, फुल साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक सीवी जो वेटर का सीवी बना हो और पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, ये स्कैन करके एक ही पीडीएफ में बना के
उसके बाद कॉन्टेक्ट करना है, मैसेज करना है कि भाई मैंने ये वीडियो देखा हूँ, ये रेस्टोरेंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आप वहाँ मैसेज करने के बाद में अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो और भी कुछ पूछना है तो वही मैसेज में आप लिख दो एक ही साथ में कि कितना दिन टाइम लगेगा और जो खर्चा जो भी होगा नॉर्मली बताया जाएगा, आप खर्चा वहाँ पूछ सकते हो क्योंकि बगैर बताए आपका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड नहीं होगा, खर्चा कंफर्म कर दिया जाता है। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद बंदा बाद में बोले कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, मेरा पैसा प्रॉब्लम है या और कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अगर सिलेक्शन हो जाता है फिर कंपनी को उसकी जगह दूसरे डॉक्यूमेंट भेजो सिलेक्शन के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके वजह से सारा चीज़ क्लियर करके ही आपका डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा। और अब बहुत से होते हैं सारा चीज़ जान लिए, वीडियो देख लिए, सब समझ लिए, फिर भी आके वहाँ पे मैसेज करके पूछते हैं, पूछते पूछते उनका 2-3 दिन लग जाता है क्योंकि रिप्लाई टाइम पे मिल नहीं पाता है उनको। और वो पूछते हैं और उसके बाद मालूम पड़ा जब तक वो डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजे जब तक के वैकेंसी फुल हो गया, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट आ जाता है ना, मेल भी आता है, व्हाट्सअप आता है। तो डॉक्यूमेंट हमारा कहने मतलब है हम आपका फर्स्ट टाइम जब मैसेज देखें तो सारा चीज़ मुझे क्लियर हो, मैं दोबारा आपसे रिप्लाई करके ये ना पूछूँ कि भाई ये डॉक्यूमेंट में कमी है, ये डॉक्यूमेंट में ऐसा है। फिर आप जाके आप बोलोगे यार मेरे यहाँ कंप्यूटर बंद हो गया, आप कल भेजेंगे परसों भेजेंगे, ये हो गया वो हो गया, तो हम आपका तो थोड़ी इंतजार करेंगे। जिसका जिसका डॉक्यूमेंट आया, जो क्लियर डॉक्यूमेंट है उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया, नोट कर लिया, सिलेक्शन आ गया तो मैं आपको खुद ही कॉन्टेक्ट कर लिया। तो हमारा का मतलब यही है, हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ लेकिन फिर भी गलती करता है बंदा, सब सब लोग फिर भी गलती करते रहते हैं, वही चीज़ आके व्हाट्सएप पर पूछते हैं, तो इसीलिए मुझे हर वीडियो में ये चीज़ बार बार बोलना पड़ता है। तो बाकी का सारा चीज़ मैंने बता दिया, अगर आपको इस पे जाना है तो डॉक्यूमेंट जैसा बोला हूँ ऐसा रेडी कर लेना है, रेडी करके उसके बाद कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है? और बाकी अगर आप कोई दूसरा फील्ड से हो, दूसरे कोई जॉब सर्च कर रहे हो तो पुराना वीडियो जाके देख सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर वैकेंसी के बारे में आपको जॉब के बारे में नॉलेज लेना है कि मैं नया नया वैकेंसी मुझे मिले या हमारे टाइप का कुछ जॉब अभी इसमें नहीं है, तो अगर हम सब्सक्राइब करके आप रखोगे तो आपके लायक भी किसी ना किसी दिन तो जॉब अपडेट मैं करूँगा ही, क्योंकि डेली मैं करता हूँ और नया नया वैकेंसी अपडेट करते रहता हूँ। तो अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो तो वहाँ पे फॉलो सब्सक्राइब कर लो, टिकटॉक चलाते हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, ये सारा, और व्हाट्सअप का लिंक, ये सारा का लिंक और वेबसाइट का लिंक सारा अबाउट में आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको यहाँ नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी सारा वेबसाइट का मिलेगा, और अबाउट में जाओगे तो सारा चीज़ डिटेल मिल जाएगा, व्हाट्सअप का ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हो, व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आप नंबर वहाँ से ले सकते हो, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो पे भी जाके फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, तो वहाँ पे भी आपको नया नया जॉब वहाँ पे भी वैकेंसी अपडेट करता हूँ, वहाँ से भी आपको रिक्वायरमेंट मिलता रहेगा इंशाल्लाह। बाकी का और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और चाहे वीडियो कैसा लगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।